बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है हमारे चैनल का, दैट इज़ कि फ्लैट हंटिंग, कि फ्लैट हंटिंग कैसे की जाए। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो हम आते हैं, बस हम निकल रहे थे। हाँ, फ्लैट नहीं मिल रहा है, मतलब 1 BHK भाई दिख ही नहीं रहा है। खोजते खोजते हम लोग अलग एरिया में आ गए। बैचलर इन सब का इशूज़ हो जाते हैं, पता नहीं भैया हम लोग के सींग में लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं आदित भाई, तो ये सारे इधर पूछ चुके हैं हम लोग, ये तो देख के भरे भरे लगे। तो गुरु इतना ढूंढने के बाद हम लोग को एक टूलेट का बोर्ड यहाँ पे देखा, जो कि इस वाले बिल्डिंग का है। मैं सेटल हो रहा था तो उस समय ना टूलेट के बोर्ड्स लगे रहते थे और खाली रहता था, मतलब अब इस साइड बचा, इस साइड देखेंगे, और देखो उधर बेचारा जा रहा है, खोज रहा है, या नया बैंगलोर है, वो भी कहेगा दादा कि यहाँ पर ज़्यादा जगह ही नहीं रहने की, खोजना वहाँ पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं वहीं पे, वहीं जाके देखते हैं, बिकॉज यहाँ तो पूरा हम लोग नतमस्तक हो चुके हैं। और ना 2-3 डायलॉग्स हैं ना एकदम फिक्स हैं, नहीं है भैया आसपास भी नहीं है, भैया लेआउट में ही नहीं, बिडिंग चल रही है कि कितना प्राइस कौन देगा। तो हाँ गुरु, क्या हाल चाल है सबके? आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है हमारे चैनल का, दैट इज़ कि फ्लैट हंटिंग, कि फ्लैट हंटिंग कैसे की जाए, फ्लैट्स कैसे ढूंढे जाएँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही प्रॉपर वीडियो होने वाली है। यहाँ बैठ के नहीं बताएंगे, सारी चीज़ें बाहर चल के दिखाने वाले हैं, बिकॉज असल में मेरा एक दोस्त है, आदित्य नाम है उसका, एंड वो असल में पहले मेरा मतलब अभी भी कलीग है बेसिकली, वो एम्फोसिस में ही था, वो पुणे वाले लोकेशन पर था, अब वो शिफ्ट हो रहा है बैंगलोर वाले लोकेशन पर, और सेम लोकेशन जब बैंगलोर में कई ऑफिसेज हैं तो सेम ऑफिस में शिफ्ट हो रहा है जिसमें मैं हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कुछ रीजंस वगैरह होंगे, तो इस वजह से हम लोग आज वो फ्लैट ढूंढने वाले। मैंने कहा कि अपन ढूंढेंगे ही फ्लैट, तो अपन एक वीडियो ही बना ले ताकि आपको भी फायदा हो जाए, हमारा भी एक वर्ष एक वीडियो बन जाए जो आपका डिमांडेड था। तो हम लोग सारी चीज़ देखने वाले हैं, और उसने मेरे को बोला था 10 बजे तैयार हो जाने के लिए, तो 10 बजे तो भाई मैं काम ही कर रहा था, तो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ उसको और सारी चीज़ें, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि एरिया वेरिया किस साइड सही फ्लैट्स मिल जाएंगे, किस साइड सही नहीं मिलेंगे, किस साइड बहुत महंगे मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर कॉलोनी में जिसमें मैं रहता हूँ, ग्रीन लैंड लेआउट, इसमें तो बहुत महंगे हो चुके हैं फ्लैट्स और अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो एक बार अपन कॉल करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है, असल तो क्या नाम है यहीं पे होगा, बट बेसिकली एक बार कॉल कर लेते हैं, तो इसको कॉल करते हैं, कॉल किए अगर देखते हैं कहाँ पे है। हेलो, हाँ आदित्य भाई, हाँ भाई, कह रहे थे हम हाँ निकल रहे थे, तुम कृष्णा स्वीट्स करके है उसी में हो क्या? हाँ, श्री कृष्णा। अच्छा श्री कृष्णा, और ये इधर ही पड़ता है ना, ये जो एक पुल होगा उसके पास ही पड़ता होगा। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो हम आते हैं, बस हम निकल रहे थे। ठीक है, आओ। हाँ ठीक है, बस ठीक है। बस हाँ पहुँच गए, ओके। लोकेशन वही है ना, सेम कृष्णा होम स्वीट्स, ठीक है हम आते हैं। हाँ, चलो अगर गूगल पे श्री कृष्णा डालोगे ना सूट, हाँ, तो वही आएगा। ठीक है ठीक है, चलो हम आ गए, ठीक है, आ जाओ। पास में ही है। हाँ बस, हाँ, तो चलो अभी चलते हैं अपन, और जो भी हिसाब होता है बताते हैं आपको, चल के दिखाते हैं। हेलमेट में नहीं लगाने वाला, बिकॉज यहीं बगल में ही है, मतलब बगल गया, जस्ट रोड पार करते ही ये वाली लोकेशन मेरे को दिखा रही है, तो अपन ऐसे ही चलेंगे और सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। चलो चलते हैं, दिखाते हैं, और जो भी सीन होगा बताएंगे आपको। चलो, तो भाई अपन दोनों यहाँ पे आए हुए थे और इधर खोजे जा रहे हैं भाई, फ्लैट नहीं मिल रहा है, मतलब 1 BHK भाई दिख ही नहीं रहा है। खोजते खोजते हम लोग अलग एरिया में आ गए, असल में इसका दोस्त भी इसके साथ वो रहने वाला है, तो उसका ऑफिस इधर पास में, और हम लोग का ऑफिस मतलब इसका ऑफिस, हमारा ऑफिस और उसका ऑफिस कुछ 5 किलोमीटर के आसपास के डिफरेंस में पड़ता है, तो वो भी देखना है। तो असल में हम लोग को इधर PG जैसे ये वाला एरिया है ना, ये क्या नाम है प्रेस्टीज जो पार करता है उससे उसके आसपास है, तो ये सारा एरिया इधर PGs वगैरह हैं, तो फ्लैट अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो भी सिस्टम बनता है बताते हैं, अगर मिल जाता है तब बताते हैं, अभी तो मिल ही नहीं रहा है, फ्लैट मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब 1 BHK खोज डाले हम लोग, पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स वहाँ गाड़ी खड़ा किए, गाड़ी खड़ा करने बाद ये सारी जो बिल्डिंग्स है ना, इधर पूछ लिए, पीछे पूछ लिए, कुछ भी नहीं, मतलब मिल ही नहीं रहा है। दिक्कत ये है ना भाई कि ये टाइम ऐसा हो गया है ना कि सारे लोग आ चुके हैं, और जितने भी IT पार्क के आसपास फ्लैट्स हैं, PGs हैं, PG छोड़ो, PG का ऑप्शन नहीं है, फ्लैट से देख रहे थे, तो मतलब खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, उसके बाद फिर कई बार तो फैमिली बैचलर इन सब का इशूज़ हो जाते हैं, पता नहीं भैया हम लोग के सींग में लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं आदित भाई पता नहीं क्या सीन है भाई, समझ नहीं आ रहा अभी सच में। तो देखते हैं, मुश्किल ही लग रहा है इस एरिया में, बिकॉज सारे पहले ही ना कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे ना 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 ना, मतलब ये देखो ये सारे इधर पूछ चुके हैं हम लोग, ये तो देख के भरे भरे लग रहे हैं, लेकिन जो खाली लग रहे हैं ऐसे वो खाली लग रहा था, इसमें हम लोग नहीं पूछे ना। तो गुरु इतना ढूंढने के बाद हम लोग को एक टूलेट का बोर्ड यहाँ पे देखा, जो कि इस वाले बिल्डिंग का है, और यहाँ पे ये कॉल करके बात कर रहा है, पूछ रहा है कि भैया खाली भी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ दिक्कत यही हो रही है ना भाई कि फ्लैट्स खाली नहीं मिल रहे हैं, PGs मैक्सिमम हैं, फ्लैट्स खाली नहीं मिल रहे हैं। अंदर हैं क्या? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग एक बार अंदर जाते हैं, देखते हैं फिर बताते हैं जो सीन बनता है।
नहीं मिला कसम से, मतलब एक ऑप्शन तक नहीं मिला। अभी तक हम लोगों ने इतना ढेर सारे फ्लैट देख लिए, मतलब बाहर बार बिल्डिंग ही देखी, कम से कम 8-10 तो देख ही लिए होंगे बिल्डिंग बिल्डिंग, बट एक ऑप्शन जिसको कहते हैं ना कि टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है तो कोई निकल नहीं रहा है, या अंदर जाओ तो फिर खाली नहीं रह रहा है, ऐसा सीन बन रहा है उन लोगों ने। मतलब इस पूरे एरिया में पहले क्या होता था ना, जब मैं सेटल हो रहा था तो उस समय ना टू लेट के बोर्ड्स लगे रहते थे और खाली रहता था, मतलब जहाँ पे जाओ ना ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियोस दिख जाती, वीडियो बना बना के डाल देते थे, नहीं तो फिर वीडियो बना लेते थे फिर घर जाके ऑप्शंस देखते थे। अब यहाँ पे भैया एक ठो ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, मतलब अभी तक हम लोगों ने इतने बिल्डिंग्स देख लिए ना, अंदर बिल्डिंग किसी नहीं घुसे हैं, बाहर बाहर से ही कि भैया ठीक है ठीक है, हाँ बाहर से ही भगा दे रहे हैं। तो अभी चलो अभी चलते हैं, देखते हैं जो भी सिस्टम बनता है। अभी फ़िलहाल इस एरिया में एक दो जगह और देखेंगे, इधर कहीं पे है, इधर पूरा एरिया, इस साइड तो पूरा देख लिया, अब इस साइड बचा, इस साइड देखेंगे। और देखो उधर बेचारा जा रहा है, खोज रहा है, उसको अभी होटल में रह रहा है और उसको भी खोजना है, उसके दोस्त का भी सिस्टम है, तो यही सारे सीन हो रहे हैं। तो चलो अभी, वो भी अभी नया नया बैंगलोर है, वो भी कहेगा दादा कि यहाँ पर ज़्यादा जगह ही नहीं रहने की। चलो अभी चलते हैं, जो भी सीन बनता है बताते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो भाई हम लोग दूसरे एरिया में आए, मतलब वहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर, जिधर मतलब हमारा ऑफिस पास में पड़ता है बेसिकली ग्रीन गंडे आउट के पास, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब सच बताएं ना, इतने फ्लैट्स देख चुके, इतने ज़्यादा फ्लैट्स देख चुके, और भाई बस फ्लैट का ऐप बोल दो तभी मना कर देते हैं लोग, ऐसा सीन हो जा रहा है। मतलब एक अंदर से हम लोग फ्लैट ना एक भी नहीं देखे, ये तो पीजी है, पीजीज ज़्यादा हैं, फ्लैट कम है, बिकॉज पीजीज में थोड़ा क्या नाम है, पैसा ज़्यादा है, मेंटेन उतना नहीं करना पड़ता है, लड़के रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यही चीज़ चल रहा है, इस वाले में चेक कर, इसमें एक बार पूछते हैं, पूछ के आओ। तो अभी दूसरे में पूछने गया है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे नहीं पता चल रहा है भाई, सच में इतना ज़्यादा खोज लिए ना, गाड़ी कब का 2 गली पहले खड़ा कर चुके हैं, लेकिन फ्लैट नहीं मिला अभी तक। मतलब खोजते खोजते हालतें ख़राब हो चुकी है। अब जाएंगे अपनी वाली कॉलोनी में, वहाँ पे ओवर प्राइस है फ्लैट, मतलब वहाँ पे ना ये है कि सपोज़ आप लोग मतलब मान लो 15,000 का फ्लैट है ना, तो वहाँ 20 का मिलेगा, ऐसा सीन है, बट खोजना वहाँ पे पड़ेगा। तो अपन जाते हैं वहीं पे, वहीं जाके देखते हैं, बिकॉज यहाँ तो पूरा हम लोग नतमस्तक हो चुके हैं, अब चलते हैं, नहीं है यहाँ पे भी। तो चलो भाई चलो उसी कॉलोनी में अब जा रहे हैं अभी हम लोग, फिर बताते हैं जो सीन बनता है। नहीं मिलने वाला वैसे, इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, चलो बताते हैं सीन में। तो यही वाला 2BHK फ्लैट है, और ये कुछ ऐसा मतलब अभी भी रेनोवेशन वगैरह पेंटिंग वगैरह चल रही थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की पेंटिंग चल रही थी, और ये उसका ओरिजिनल लुक है, देख लो भाई। अगर आपको भी चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का दे दिया है भाई, जाके उठा लो। और ये एक पूरा मतलब एक मतलब पहला 2BHK मेरे को मिला जो ऐसा है, और ये 2 रूम्स ऐसे थे, और इधर था अपना वॉशरूम, एक वॉशरूम नॉर्मल था, एक वॉशरूम ऐसे था, एक अटैच था, और एक था ऐसे, मतलब सिस्टम अलग 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 फ्लोर्स पे। दूसरा वाला हम लोगों ने चेक किया, दूसरे फ्लोर पे था, ठीक है। तो दूसरे फ्लोर पे घुसे तो ये कुछ ऐसा दिखता था, मतलब कुछ खास साफ नहीं था, दूसरी रेनोवेशन वैसे चल रहा था तो साफ कर दिया जाएगा। दूसरी ये रूम वगैरह, ये अलमीरा वगैरह ऐसी कुछ दिखती है, और ये एक अटैच बाथरूम और एक अलग से बाथरूम, और इधर से ये क्या नाम है, बालकनी का लुक था, बालकनी क्या खिड़की वगैरह वेंटिलेशन के लिए लगी हुई थी, और ऐसा कुछ दिखता है, देख लो हमें यहाँ पे अपन ऐसे ही करके किसी स्ट्रगल से वीडियो बनाते हैं, तो भाई लाइक वाइक कर देने, जब कमेंट कर देना, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये एक पहला 2BHK था, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कुछ 16,500 रुपए का था जो उन लोगों ने बोला, तो हम लोगों ने वो भी नहीं किया, नेगोशिएट वगैरह नहीं किया, जैसे आपने मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा ही कुछ दिखता है, और ऐसे करके हम लोग बाहर नहीं। तो भाई अभी तक एक फ्लैट देखने को मिला, एक 2BHK जो 16,500 का अभी बोल रहे हैं, वो मतलब हम लोगों ने नेगोशिएट भी नहीं किया, बिकॉज 2BHK की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप लोगों को देखना है तो मैं लोकेशन नीचे पिन कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। मतलब उसमें ना सिस्टम ये है ना, एकदम पेंटिंग वेंटिंग चल रही थी, पूरी बिल्डिंग ही खाली थी, पूरा रोड गंदा है, सिस्टम मतलब ये वाली बिल्डिंग है, ये ग्रीन कलर की एक, ये उधर जो ग्रीन कलर दिख रहे हैं ना, वो वाली बिल्डिंग है, और इसमें सारे फ्लोर्स खाली थे, मतलब ये ना एकदम नए नए सारा वैकेट हुआ है, और पूरी पेंटिंग वगैरह रिपेयरिंग वगैरह का काम चल रहा था, इस वजह से खाली। ये 16,500 का था 2BHK, देखना सारे में मतलब सारा फ्लोर पे ही 2BHK है, तो वो देख सकते हैं अगर आना है तो, लोकेशन मैं पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक उद्घाटन बस हुआ अभी तक कि हाँ भाई एक फ्लैट देख लिए, चलो अभी चलते हैं देखते हैं बताते हैं। भाई हम लोगों ने कम से कम यहाँ पे मतलब ग्रीन लैंड लेआउट में आए, पूरा मतलब सारा कुछ देख लिया, और ना 2-3 डायलॉग्स हैं ना एकदम फिक्स हैं, नहीं है भैया आसपास भी नहीं है, भैया लेआउट में ही नहीं है, और बस यही इंतज़ार है भैया कोई बोल दे बैंगलोर में नहीं मिलेगा। मतलब सही में पूरा फ्लैट्स वगैरह सब कुछ देख लिए, इधर आसपास सारा कुछ, भाई कसम से एक भी नहीं है। नंबर पे फ़ोन करो तो नंबर पे भी फुल दिखा रहे हैं, टू लेट का बोर्ड्स लगे हुए हैं,
तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है सच में, बहुत टाइम हो गया, बहुत इतना आधा हम लोग घूम लिए ना, मतलब यहाँ घूम लिए वहाँ चले गए, इतना सब कुछ देख लिए, लेकिन सच में एक जगह एक फ्लैट, मतलब एक ही फ्लैट देखा जो आपको दिखाया 2BHK वाला, उसके बाद से एक भी फ्लैट देखने को तक नहीं मिला। तो अभी अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अब लग रहा है दूर ही देखना पड़ेगा, बिकॉज पास में तो भाई एक चीज़ नहीं मिल रही, बेचारा वो परेशान ही हो गया, वो भी सोच रहा होगा साला पुणे से है यहाँ पे जगह ये नहीं मिल रही रहने के लिए। कसम से एक जगह भी, मतलब बंदे ऐसे बोल रहे हैं ना कि भैया लेआउट में ही नहीं पूरे मिलेगा, एरिया पूरा फुल है, एकदम भरा हुआ है, PG शायद मिल जाए लेकिन फ्लैट तो भाई बहुत मुश्किल है। तो 1BHK का यही दिक्कत होता है, 1BHK नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैं ना जब भी लॉकडाउन होने लगा अगर आना वाना होना तो एक महीने पहले आ जाओ फ्लैट ढूंढने के लिए। तो यही सारा सिस्टम है बैंगलोर का। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं कोई सिस्टम बनता है, वरना चलते हैं घर देखेंगे। चीज़ दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर ना एक ऐप है, उसके ऊपर प्रॉपर बिडिंग चल रही है कि कितना प्राइस कौन देगा, तब जाके देखो यहाँ पे पूरा एक एक पे बिड लगाना है, बिड का ऑप्शन है, यहाँ पे रेट्स दिखा रहे हैं, ऐसा सिस्टम चल रहा है बैंगलोर में भाई। देख लो एरिया यहाँ पे लिखा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि मतलब डबल शेयरिंग चाहिए, ट्रिपल शेयरिंग चाहिए, फिर यहाँ पे बिड ले होने के लिए 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे ऐसे करके रेट्स चल रहे हैं, बताओ भाई। भाई हम लोगों ने ये वाला फ्लैट देखा जो कि ऐसा कुछ दिखता है और एरिया वाइज ठीक था, आसपास सराउंडिंग्स ठीक थे, और ये पड़ता था, इसका डिसएडवांटेजेस क्या थे ना कि भाई ये मतलब फोर्थ फ्लोर पे था, फोर्थ फ्लोर, और इसमें लिफ्ट नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये, किचन वगैरह पूरा सही से ठीक था, बस ये था कि कंपार्ट मतलब वो पूरा प्रॉपर कबर्ड्स नहीं थे इसमें, तो एक मेरे वो लगा, बट स्पेसेस अच्छे से थे, मतलब सही से रखने वखने का सामान अच्छे से था किचन में। दूसरी चीज़ फ्लोर भी ठीक लग रहा था, बहुत ज़्यादा अलग सा नहीं कहूँगा बट ठीक लग रहा था, और पूरी पेंटिंग एकदम डिटो मतलब चमका के रखा गया था, बस अलग अलग कलर्स का था। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बाथरूम पड़ता है आपका जो कि ऐसा कुछ दिखता है, ठीक था, स्पेशियस था, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट नॉर्मल था। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी मिलती है और अंदर कबर्ड मिलता है, तो ऐसा कुछ ड्रेसिंग टेबल मिलता है, देखो मस्त एकदम नाच यार रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ से ये कुछ ऐसा लुक दिखता है, मतलब बाहर के व्यू ऐसा है, बालकनी नहीं है बट ऐसा कुछ है, कॉमन बालकनी है। दूसरा चीज़ ये कबर्ड देखो सही से था, मतलब कबर्ड अगर हम हेलमेट रख के फिर आपको दिखाते हैं कबर्ड, ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, जिसमें स्पेस देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा था बट नॉर्मल था, मतलब दो बंदों का सामान रखने में तो दिक्कत होगी बट एक बंदे का सामान बहुत ईजिली आ जाएगा, ऐसा कुछ दिखता है। और ऐसे करके हम लोग बाहर निकले, मतलब ऐसे करके ये सारा सीन था, ऐसे कुछ सिस्टम था, और ठीक लगा फ्लैट, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं कहूँगा बट ठीक लगा मेरे को। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो हाँ गुरु, अभी वापस आ चुके हैं और 12 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हो गए अपन को घर से निकले, वापस आए, और असल में अपने दोस्त के वहाँ भी चले गए थे वैष्णव के वहाँ, वहाँ पे थोड़ा अपन रिलैक्स विलैक्स करके आए, आज संडे भी था, तो असल में दिक्कत क्या नहीं भाई, सही में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ फ्लैट्स का, इतना ज़्यादा, इतना हम लोगों ने ढूंढा, उसके बाद भी मुश्किल से हम लोगों ने ना, अगर मैं काउंट नहीं बताऊँ आपको ना, तो 30-35 मतलब 30 के आसपास बिल्डिंग्स हम लोगों ने देख ली होगी बहुत ही ईजिली, ठीक है। और कौन कौन से एरिया में, जहाँ पे माराथली प्रेस्टीज पार्क पड़ता है उधर देख ली, उसके बाद फिर बेलंदूर में देखा, ग्रीन ग्लेन में देखा, ग्रीन ग्लेन के पीछे देखा, सारा एरिया छान मारा भाई, फ्लैट का बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है। उसके बाद फिर एक पता चला, एक मतलब एक दोस्त निकले, उनसे वो असल में बायजूस में काम करते हैं, ठीक है, मतलब वो प्रेस्टीज पार्क के आसपास रहते हैं, उनके आसपास कोई ब्रोकर मतलब वो नंबर मिला, असल में जो टूलेट वाला बोर्ड अक्सर लगा रहता है ना, वो ब्रोकर वगैरह लगाते हैं, क्योंकि भैया उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उनका ब्रोकरेज चार्ज ही रेंट के बराबर होता है, कि हमको ब्रोकरेज चार्ज दे दो, हमसे भी लेंगे और सामने वाले बंदे से भी लेंगे, भैया पूरी शरीर दर्द हो रही है, तो यही सारा सिस्टम होता है। तो इस वजह से भैया हम लोगों ने क्या किया ना, एक बंदे से बात हुई और फिर ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, ये ठीक है, अब वो कह रहा है वो कल रिटर्न मतलब बताएगा, तो हो सकता है मिल जाए बट बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, इसी वजह से मतलब उन लोगों को या तो कल वो दोनों दोस्त हमारे आ जाएंगे इसी फ्लैट पे, या एक दो दिन रह के आराम से खोज लें, मैंने यही कहा भाई एक दो दिन रह के खोज लो वरना पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, या बिकॉज होटल में रहना भाई सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लग जाते हैं। तो यही सारा सिस्टम है, अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा है या आप लोग लड़के हो, बस लड़के लड़के शिफ्ट हो रहा, तो भाई PGs में शिफ्ट हो जाओ, फ्लैट्स ढूंढ सकते हो बट बहुत टाइम लगेगा, वेकेंट होते हैं कई लोग, तो भैया ना ऐसा हो रहा था ना, फ्लैट में अपार्टमेंट जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सितंबर में खाली हो जाएगा सर, अगस्त में खाली हो जाएगा सर, अरे भैया हम रेडी टू मूव हैं एकदम, हमको घर ही नहीं है मेरे पास रहने के लिए बैंगलोर में, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यही सारा सिस्टम था, आपको जितनी वीडियो जितनी मैंने फ्लैट विजिट किए वो सारी वीडियो मैंने अटैच कर दी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप बताना ज़रूर, और सजेशन ज़रूर देना कैसी लगे वीडियो, कोई और चीज़ होगा कि भैया ये कर दो वो कर दो, ये ऐसे एक बताओ वैसे बताओ, ये चीज़ बताओ वो चीज़ बताओ, वो सारी चीज़ें भी अपन बता देंगे डेफिनेटली। तो अभी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, कोई भी चीज़ें हैं, और आज ना मजा हम फ्लैट, एक चीज़ हुआ मेरे साथ कि जब अपन फ्लैट ढूंढ रहे थे ना, इतने लोग मेरे को रोड में मिले ना जो मेरे को पहचान लिए, मतलब
अप्रॉक्सीमेटली 3 लोग, मतलब एक ग्रुप था 3 बंदों का, उसके बाद फिर 2 बंदे एक साथ मिले, फिर एक बंदा एक साथ मिला, ऐसे रास्ते में पहचान लिया मेरे को। लिटरली इतना बढ़िया लगा ना, लिटरली इतना अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है वीडियोज़ बनाने में कि लोग पहचान लें ऐसे, मतलब अनजान लोग ऐसे पहचाने तो काफ़ी अच्छा लगता है, और आपके अप्रिशिएट करें काम को तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही सारी चीज़ें अपन ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ें आप नीचे कॉमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, कोई सजेशन के भैया ये सारी चीज़ करो वो भी अपन बता देंगे। तो यही सारा वीडियो तो आप लोग मांग रहे थे फ्लैट हंटिंग की, देख लो तो भैया देख लो कितना कुछ करना पड़ता है आपको एक फ्लैट दिखाने के लिए, इतनी ढेर सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, बीटीएम साइज अगर चाहे जाओगे ना, बीटीएम साइज थोड़ा सही है, मतलब फ्लैट्स वगैरह मिल जाएंगे, बट वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, अपने अपने एरिया भी तो देखना है भैया, आना जाना है, ट्रैफिक लगता है, वो लगता है, लगता है, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो यही सारा सिस्टम था, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान तो भाई रखना ही रखना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।